सच सच बताओ शाहजेब, ये सब कुछ तुमने किया है ना? मुझे क्या जरूरत, मैं तो वैसे भी गद्दी के हक से दस्तबरदार हो गया हूं, और वैसे भी मैं अपने दुश्मन को सीने पे मारता हूं, पीठ पीछे वार नहीं करता। इसका मतलब है तुम शामिर को अभी भी अपना दुश्मन समझते हो? वो मतलब नहीं था मेरा। नामुमकिन, सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो जुलेखा की मुलाजिम है, किसी और के हुक्म पे वो ये हरकत कर ही नहीं सकती। बाबा हजूर, मैं क्यों शामिर हजूर को मरवाना चाहूंगी, जबकि मैं तो तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है जुलेखा। जिसने जो बात करनी है मुझसे करे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तुम जाओ, किसी को अंदर नहीं आने देना, समझी? तुम्हें अंदाजा है, अंदाजा भी है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुम्हारी वजह से हमें? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, कैसे कैसे वक्तों में तुम्हारी मदद नहीं की, तुमने मुझे ये सलाह दिया है ऐसे रुसवा करवा के? कुछ नहीं भूली, एक एक एहसान याद है मुझे। इसलिए ये किया है तुमने? मजबूर थी। तुम्हें किसी से भी यहां डरने की जरूरत नहीं है, हमें बताओ तुम्हें किसने मजबूर किया है? बोलो, क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? सीधा सीधा बताओ कि किसके कहने पे किया ये तुमने, कौन है इसके पीछे? संभालो अपने आप को, होश में आओ, बोलो किसने किया, होश में आओ। वाह बादशाह बेगम वाह, इतनी मंसूबा बंदी और निशाना इतना बुरा। मेरी तदबीर को सिर्फ तकदीर मात दे सकती है। गुस्सा करने की क्या जरूरत है हाकिम भी, निशाना था, चूक गया, मगर एक चीज अच्छी हुई, हमने जितने पत्थर मारे उसमें से एक भी पलट कर हम पे वापस नहीं आया। हाँ कुछ छींटे उड़ी, मगर वो शाहजेब के दामन पर लगी, वैसे कमाल कर दिया, दोनों भाइयों में क्या फूट पड़वाई है। तुम शाहजेब को जानते हो, शामिर को नहीं। हुकूमत करना तो दूर की बात, वो तो तरीके से दुश्मनी भी निभाना नहीं जानता।